हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आशीष रिवा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली आपका ब्लॉग बनने वाला है, जगन्नाथ भगवान का दर्शन होने वाला है। घाट कोपर रेलवे स्टेशन में मैं इसमें मौजूद हूँ, आप बैक साइड देख सकते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम ले चलते हैं आपको साकी नाका, यानी कि जगन्नाथ भगवान का मंदिर, वहाँ पर मैं आपको फाइनली दर्शन कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं अभी आपको इस सफ़र कराने वाला हूँ मेट्रो ट्रेन से, यानी मेट्रो के द्वारा आपको मैं ये सफ़र कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग वीडियो में। तो आशीष रिवा ब्लॉग्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने मेट्रो का टिकट ले लिया है, आप देख सकते हैं, मात्र 20 रुपये में यहाँ से साकी नाका जाना पड़ेगा, वहीं पर हमारा दर्शन होगा जगन्नाथ भगवान का, जगन्नाथपुरी का। तो हम चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें भी देख सकते हैं मौजूद हूँ मैं, इसमें मौजूद हूँ घाट के ऊपर मेट्रो स्टेशन में। यहाँ पे 2-3 बार चेकअप होता है, देख सकते हैं आप, तब जाके हम पहुँचते आगे निकालने के टाइम। दोस्तों, इसमें मैं मौजूद हूँ मेट्रो स्टेशन में, सर भी हमारे साथ है, हाई कर दीजिए। हम लोग पहला सफ़र कर रहे हैं मेट्रो का, हम कर रहे हैं सर, तुम्हारे बहुत बार कर चुके हैं। हम निकलते आगे बढ़ते, आप लोग बने रहे वीडियो में, वेट कर रहा हूँ। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेट्रो ट्रेन के अंदर। आगे अभी साकी नाका मेट्रो, बाय बाय मेट्रो। तो फ्रेंड्स, हम निकलेंगे, फ्रेंड्स मैं जाऊंगा अभी नीचे साइड, अभी मैं साकी नाका जाने वाला हूँ, जगन्नाथ का मंदिर। तो बाय बाय मेट्रो, अभी मैं मेट्रो में था, मेरा फर्स्ट बार मेट्रो का सफ़र किया, अभी जा रही मेरी मेट्रो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते आगे और हम आ चुके हैं साकी नाका, काफ़ी अच्छा प्लेस है यहाँ पे। हम उतरेंगे नीचे साइड, वाह 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 वाह, बहुत कड़क है लिफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग तो काफ़ी बेहतर बनने वाला है, क्योंकि आप लोग, हमें पता है कि आज आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे, काफ़ी बेस्ट बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, टिकट होता है अपना कुछ इस तरह, यहाँ पे चिपकाना पड़ता है, तभी जाके ओपन होता है डोर। अभी मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर साइड निकलेंगे, यहाँ से हम साकी नाका निकलेंगे। अभी मेट्रो का सफ़र हुआ हमारा ख़त्म, अभी हम निकलेंगे बाहर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया था कि आज का ब्लॉग काफ़ी बेहतर होने वाला है, तो हम अभी मंदिर की मार्ग की तरफ जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, हम मेट्रो स्टेशन के नीचे इसमें मौजूद हैं और हमारा बैक साइड देख सकते हैं, जगन्नाथपुरी जी का बोर्ड लगा हुआ है। अब हम निकलेंगे श्री जगन्नाथपुरी का दर्शन करने। तो देख सकते हैं आप, बोर्ड में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ की, यहाँ से रास्ता गई हुई पूरा जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग उड़ीसा वाले ज़्यादातर यहाँ पे उड़ीसा वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ही मंदिर को बनवाया है। मेट्रो स्टेशन से थोड़ा ही दूर मंदिर है, मैं आपको पूरी रास्ता का विजिट कराते चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि अभी पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर खारघर के पास मौजूद है। आप अगर आते हैं साकी नाका मेट्रो स्टेशन के पास, साकी नाका मेट्रो स्टेशन से आप ये मंदिर का विजिट कर सकते हैं, काफ़ी शानदार मंदिर बना हुआ है, आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम जगन्नाथ भगवान जी का जाके अंदर भी दर्शन करूंगा मैं, और बालभद्र और सुभद्रा, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बालभद्र के साथ मौजूद हैं हमारे जगन्नाथ भगवान जी। मंदिर की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी शानदार मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं।
श्री जगन्नाथपुरी, यानी कि अगर आप जगन्नाथ नहीं जा सकते, काफ़ी लंबा पड़ता है वो, चारों धाम में से एक हिंदू धर्म में जगन्नाथ धाम एक प्रसिद्ध धाम माना जाता है। तो हम अभी चलेंगे मंदिर के अंदर, मंदिर पंडित से बात करते हैं और दर्शन कराते हैं आपको फुल फाइनली जगन्नाथ भगवान जी का। जय जगन्नाथ। मेरी काफ़ी इच्छा थी इस मंदिर को विजिट करने के लिए काफ़ी दिनों से। सभी भगवान मौजूद हैं, गणेश भगवान, नारद जी। इस मंदिर के अंदर प्रसाद का जो सिस्टम है जो कंटिन्यू चलता रहता है, आप देख सकते हैं प्रसाद वितरण चालू है। और हम अभी पंडित से बात करेंगे, सभी जय माता माँ का दर्शन, महालक्ष्मी माँ का मंदिर है ये। और हमारे ये सत्यवान सावित्री, आप देख सकते हैं सत्यवान सावित्री माँ का मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये हमारे विद्वान है, जितनी जानकारी हो सकी मैं आपको दूंगा। यार एक पोपट हो गया, मैं आया मंदिर को विजिट करने, मैं पहुंचा हूँ 1:30 बजे करीबन, 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है और ये 4 बजे मंदिर खुलता है। आप देख सकते हैं अभी मंदिर जब खुलेगा तभी मैं दर्शन करवाऊँगा आपको, मैं तब तक यहाँ पे स्नान करूँगा, यहाँ पे विश्राम करूँगा। देख सकते हैं मंदिर बंद हो गया अभी। तो फ्रेंड्स, हम जगन्नाथ मंदिर के अंदर हैं, इस समय प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसके बाद मैं निकलूँगा, अभी दर्शन भी करना है। शानदार तरीके से मतलब प्रसाद मिल गया। मंदिर के सामने ही प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। इसमें मैं मौजूद हूँ जगन्नाथ मंदिर, जो मुंबई के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। तो हमेशा यहाँ पे प्रसाद चालू रहता है दोस्तों, कभी भी आया। फ्रेंड्स, फुल फाइनली खाना पीना हो गया, अभी प्रसाद हो गया है, अब दर्शन करेंगे। 2 बजने के करीब है और हमको दर्शन मिलेगा भगवान का 4 बजे। भगवान जी का देख सकते हैं मंदिर बंद है पूरी तरह से, देख सकते हैं ये मंदिर ओपन होगा 4 बजे। उड़िया हिंदू भगवान के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही रूप है, जो कि इनका एक बहुत बड़ा मंदिर उड़ीसा के राज्य में पुरी शहर में स्थित है, जिसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है। इनके पीछे का कारण, स्कंद पुराण बताया गया है कि माध्यमिक परमानंद के कारण कृष्ण जी की आंखें बहुत बड़ी हो गई थी और इनके हाथ पैर इनके शरीर में ही समा गए थे। कृष्ण जी के इस रूप को ही जगन्नाथ कहा जाता है। इनके भाई का नाम बालभद्र और इनके बहन का नाम सुभद्रा है, जो कि आजू बाजू ही रहते दोनों लोग। जब कहें फ्रेंड्स, अभी 4 बज चुके हैं और मंदिर का द्वार खुलने वाला है, मैं आपको प्रभु का दर्शन कराएंगे अभी। हम अभी तक वेट कर रहे थे, करीबन 4 घंटा हमने वेट किया दोस्तों। अभी मंदिर का द्वार खुला, हम जा रहे हैं अंदर फाइनली विजिट करने भगवान जी का, क्योंकि ये मंदिर यहाँ पे साकिना का में जो हम घाट के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गेट पर साकिना का है जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन किया हमने। हमने सर्च किया काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में और गूगल में, फेसबुक में, तो ये मंदिर जो है तो कम सर्चिंग में कम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जगन्नाथ प्रभु जी का एक वीडियो और बना दिया जाए। तो
फिर फाइनली हमने दर्शन किया प्रभु जी का। अगर आप लोग मंदिर की जानकारी लेना चाहते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और यहाँ की मंदिर की जानकारी अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं, अगर आप कल्याण के आसपास है, मुंबई में कहीं भी रहते हैं, सबसे पहले आप कल्याण है, कल्याण से आपको आना है घाटकोपर, घाटकोपर से आपको मेट्रो लेकर साकी नगर आ सकते हैं और डायरेक्टली अपने मंदिर का विजिट कर सकते हैं। और ये मंदिर की टाइमिंग वगैरह मैं बता दूँ कि हर दिन खुला रहता है मंदिर, आप प्रभु जी का दर्शन हो जाएगा आपका। और ये मंदिर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बंद हो जाता है और यहाँ पे प्रसाद का भी कार्यक्रम कंटिन्यू चलता रहता है। दोस्तों आप भी अगर आप कभी आए प्रभु जी का दर्शन करेंगे तो आसानी से आ सकते हैं। हमारे ब्लॉग वीडियो में आपको कैसी वीडियो लगी आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हमने प्रभु जय हो प्रभु देवा जय जगन्नाथ। कृष्ण भगवान के पूर्ण कला और कृष्ण भगवान के दूसरे अवतार श्री जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान का हमने फाइनली दर्शन किया। फ्रेंड्स अब हम वीडियो को एंड करेंगे, हम लेंगे गाड़ी, अब ट्रेन मेट्रो ट्रेन लेना है, फिर ट्रेन लेना है, फिर निकलना है घर की तरफ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।